तो दोस्तों अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म, वो भी पैन इंडिया लेवल की फिल्म मैदान, जो कि 23 जून 2023 को रिलीज होनी थी, लेकिन फाइनली वो डेट भी गुजर चुका है और अभी तक इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। मतलब कि इस फिल्म के रिलीज डेट को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन भाई मानना पड़ेगा बोनी कपूर को, बॉलीवुड के इतने बड़े सुपर स्टार की फिल्म यानी कि अजय देवगन की फिल्म को इतना बार पोस्टपोन कर चुके हैं कि अब सारे ऑडियंस फिल्म मेकर्स के साथ साथ एक्टर पे भी गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक्टर के ऊपर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टर्स का काम होता है फिल्म को शूट कर लेना और अपना फीस ले लेना। तो अजय देवगन को अपना फीस मिल चुका है, उनको इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जब ये फिल्म रिलीज होगी तब वो इस फिल्म का प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक नए एक्टर को लॉन्च करने में इतना झंझट नहीं लगता है जितना अजय देवगन की फिल्म मैदान को रिलीज करने में लग रहा है। मतलब बोनी कपूर को जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये फिल्म चल पाएगी या फिर नहीं। मतलब जब भी मैदान फिल्म के आसपास कोई फिल्म रिलीज हो रही है तब वे मैदान फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अब जून में तो ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, अब अपडेट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जुलाई में इस फिल्म को रिलीज किया जा सकता है या फिर अगस्त में। क्योंकि अगर जुलाई में ये फिल्म रिलीज होती तो जून में इसके ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाता, लेकिन अभी तक इसका ट्रेलर नहीं आया है। तो हो सकता है कि ये फिल्म जुलाई में रिलीज ना होकर के अगस्त में हो, और अगर अगस्त में रिलीज नहीं होती है तो सितंबर में रिलीज की जा सकती है। मतलब इस फिल्म से अभी तक कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा है कि हम आपको कंफर्म बता सके। बाकी इस फिल्म की स्टोरी काफी शानदार रखी गई है। इस फिल्म का टाइमलाइन आपको लेकर के जाएगा 1952 से 1971 तक, जब हमारा इंडियन फुटबॉल टीम पूरे वर्ल्ड में अपनी जीत का परचम लहरा रहा था, और उस टीम के कोच थे सैयद अब्दुल रहीम, जिन्होंने अपनी फुटबॉल टीम को इतना ट्रेंड किया था। और सैयद अब्दुल रहीम का ही किरदार निभा रहे हैं अजय देवगन इस फिल्म में। मतलब ये जो फिल्म है ये एक स्पोर्ट ड्रामा टाइप की फिल्म होगी, और फिल्म काफी शानदार है, इसकी स्टोरी भी काफी शानदार है, यूनिक है। और सबसे बड़ी बात कि अजय देवगन की करियर की ये पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिसे 5 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। फिल्म का बजट रखा गया है 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित शर्मा, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बोनी कपूर। लेकिन भाई इस बूढ़े प्रोड्यूसर पे ऑडियंस काफी नाराज हो रहे हैं। मतलब इस प्रोड्यूसर ने मैदान फिल्म को ऑलमोस्ट 7-8 बार पोस्टपोन कर दिया है इसके रिलीज डेट को। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, इतना बार पोस्टपोन होने के बाद अजय देवगन की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो पाएगी या नहीं, और क्या आपने अभी तक इसका टीजर देखा है या नहीं? अगर देखा है तो आपको इसकी टीजर कैसी लगी, और इस फिल्म के लिए आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं? मतलब आपका जो भी ओपिनियन है आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना फिल्मी दुनिया से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।